बंगला आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन हर घर की पसंद आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल आसानसोल शोरूम। सब्जियों की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा, कमर टूट गई है गृहिणियों की, बारिश के कारण बर्बाद हुई फसलों से किसान परेशान, सरकार से लगाई जा रही है मदद की गुहार, मौसम की मार के कारण हरी सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हुआ है और इसका सीधा असर बाजार में भी स्पष्ट दिख रहा है। महंगाई के कारण आम आदमियों की थाली से हरी सब्जियां दूर होने लगी है। गरीब तबके के लोगों का आलू प्याज ही सहारा है। भारी बरसात के बाद अक्टूबर माह में भी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी जारी है। बुधवार को टमाटर, अदरक व लहसुन सहित कई सब्जियों के दामों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई है। ऐसे में आम आदमी की जेब तो ढीली हो ही रही, गृहिणियां भी महंगी सब्जियों की खरीदारी करने से परहेज कर रही हैं। बीते दिनों राज्य में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया था। अभी लोग ठीक से उबर नहीं पाए कि जगह जगह हुए जल जमाव के कारण खेतों में लगी फसलें काफी बर्बाद हो गयी। कल्ला, नूतंडी, चासापट्टी, महेशिला कॉलोनी, काली पहाड़ी और निगाह से सब्जी की खेती करने वाले किसानों के सपनों पर बारिश ने पानी फेरने का काम किया। दुर्गोत्सव के मौके पर एक तरफ जहां लोग नए कपड़ों की खरीदारी और पूजा पंडाल घूमने की तैयारी में जुटे हैं, दूसरी ओर सैकड़ों किसान अपनी बिगड़ी किस्मत पर रो रहे हैं। इसलिए कि किसान कर्ज और अपनी कुछ जमा पूंजी से सब्जियों की खेती करते हैं। फसल तैयार होने की स्थिति में थी, ठीक उसी समय बारिश ने उनके सारी फसलों को बर्बाद कर दिया, जिस नुकसान की मार वे चाहकर भी नहीं झेल पा रहे हैं। एक तरफ जहां अपनी किस्मत पर रो रहे हैं वे, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन से कुछ आर्थिक मदद की भी गुहार लगा रहे हैं। अब ऐसे में स्थानीय किसानों को हुए नुकसान के बाद आसनसोल के विभिन्न सब्जी बाजारों में स्थानीय सब्जियों की जगह अब बाहरी सब्जियों ने अपनी जगह जमा ली है और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जो मध्यम वर्ग के लोगों के बूते के बाहर हो चुका है। सब्जी बाजारों में सब्जी की खरीदारी करने पहुंचे लोगों के सब्जियों के दाम सुनकर ही पसीने छूट रहे हैं। एक किलो की जगह 100 ग्राम और 250 ग्राम सब्जी लेकर ही वे अपने घर चले जा रहे हैं। ऐसे में ये साफ है कि सब्जी बाजारों में स्थानीय सब्जियों का क्या महत्व है। अगर स्थानीय सब्जियां बाजारों में नहीं रही तो उसका असर किस तरह आम जनता के पॉकेट पे पड़ता है वो भी सुने। भिंडी पहुंची 80 रुपए किलो तो करेला पहुंचा 100 तक, बरबट्टी 60 रुपए किलो तो पालक 80 रुपए किलो, धनिया पत्ता 250 रुपए किलो तो पोए साग 30 रुपए किलो, मूली हुई 60 रुपए किलो और बैगन हुआ 80 रुपए किलो, झींगा 60 रुपए किलो, बंदा गोभी 50 रुपए किलो तो मटर छेमी अभी बिक रही है 300 रुपए किलो, मिर्ची 100 रुपए किलो है तो अदरक 120 रुपए और पटल ने उछाल मारी 60 रुपए किलो तक। दुकानदारों का कहना है कि भारी बरसात के कारण स्थानीय किसानों की सब्जियां बर्बाद हो गई। बाजार में स्थानीय बाजारों का आवक कम होने के कारण बाहर की सब्जियां मंगाई जा रही हैं, जिसके कारण कीमतें अधिक है। जबकि ग्रीनियों का कहना है कि हरी सब्जियों की महंगाई के कारण उन्हें सब्जियां खरीदने के बारे में सोचना पड़ता है। हरी सब्जियों के बजाय अब गृहिणियां अन्य विकल्पों पर नजर दे रही हैं ताकि उनका रसोई का बजट बना रहे। मुझे बहुत आकर्षक लगता है, लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल।
ঢাকের কাঠি ধুনোর গন্ধ মায়ের আগমনের প্রস্তুতি মাকে বরণ করে নিন বালাজি ফ্যাশনের নতুন কালেকশনের সাথে যেখানে পেয়ে যাবেন শাড়ি লেহেঙ্গা স্যুট কুর্তি ইন্দো ওয়েস্টার্ন কালেকশনের সাথে সাথে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি শাড়ির সম্ভারও আবার পেয়ে যাবেন ঐতিহ্যবাহী পুরুষদের শুটিং শার্টিং ড্রেস মেটেরিয়ালও আসানসোলে শুধুমাত্র শ্রী বালাজি ফ্যাশন সববার পছন্দের শুধুমাত্র শ্রী বালাজি ফ্যাশন আজই আসুন পুরো পরিবারের সাথে জিটি রোড আসানসোল সুভাষ সিনেমাস ঠিক বিপরীতে परिवार का सदस्य समझते हैं। दुर्गा पूजा से पहले जरूरतमंदों के बीच न्यामतपुर न्यू रोड में पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के सहयोग से वस्त्र वितरण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा के जिला सचिव शंकर यादव, दिशान कुरेशी, राजेश सिन्हा, मुकेश यादव, रोहित राउत, अजय पासवान, अर्णव यादव आदि मौजूद थे। पूजा से पहले वस्त्र पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। संबोधित करते हुए जितेंद्र तिवारी ने कुलटी के पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी को अपमानित करने का आरोप तृणमूल नेतृत्व पर लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से उनका विरोध है, लेकिन कुलटी जब जब आते हैं तो उनका मन दुखी हो जाता है, क्योंकि तृणमूल के पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी को बार बार अपमानित किया जा रहा है और एक छोटी उम्र की बहन को उनके ऊपर बिठा दिया गया है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति कोई प्रधानता नहीं रखता, संगठन ही प्रधान होता है। कौन विधायक बना, कौन सांसद बना, ये बड़ी चीज नहीं है। पार्टी को जीतना चाहिए, पार्टी का सिंबल जीतना चाहिए, ये बड़ी चीज है। धेमो में दुर्गा पूजा कमेटी के पंडाल का उद्घाटन किया ईसीएल के डीटी नीलाद्री राय ने। सोदपुर एरिया के जीएम अमितांजन नंदी, पूर्व पार्षद रोहित नोनिया, श्रमिक नेता अनिल सिंह, पार्षद संजय नोनिया आदि रहे मौजूद। मलेशिया के ट्विन टावर की तर्ज पर बना है भव्य पंडाल। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की आसनसोल शाखा 4 की साधारण सभा और चुनाव का आयोजन। रेल कर्मियों के हक की आवाज उठाई यूनियन नेताओं ने। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस कमिश्नरेट इलाके में 80 पुलिस सहायता केंद्रों का उद्घाटन। साइबर अपराध को लेकर क्विज के माध्यम से होगा जागरूकता अभियान। बराकर के बेगुनिया स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य का कुलटी विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने लिया जायजा। कहा, वर्ष 2022 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री को विकास कार्य किए जाने के लिए लिखा था पत्र। द्रुत गति से होगा मंदिर का विकास। कतरास थाना क्षेत्र के लकड़का इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को जब्त किया। अवैध तरीके से शराब बेचती पकड़ाई पिता पुत्र की जोड़ी। कुमार धूबी ओपी क्षेत्र के कुमार धूबी बाजार स्थित एक गल्ला दुकान में हजारों की चोरी। दुकान का दरवाजा तोड़कर चोरों ने दिया घटना को अंजाम।